नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। पेश अब तक की बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्य सचिव से बदसलूकी पर विवाद अब बढ़ता ही चला जा रहा है। दिल्ली आईएएस एसोसिएशन की हड़ताल के बाद सचिवालय में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। कर्मचारियों द्वारा सचिवालय के पहले फ्लोर पर मंत्री इमरान हुसैन के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। इसमें मंत्री हुसैन के एक सहयोगी को चोट लगने की खबरें हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के बुलावे पर सचिवालय में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। खबरों के मुताबिक कर्मचारियों ने मंत्री हुसैन और आशीष खेतान को सचिवालय में घेर लिया था। भीड़ से मारू मारू की आवाज भी आ रही थी। बता दें कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आपके विधायक पर सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि सीएम कार्यालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को 5-1 से हराने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आईसीसी की वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली एक बार फिर रैंकिंग में नंबर एक के बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी नंबर एक के गेंदबाज हैं। कोहली के फिलहाल 909 पॉइंट्स हैं, जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा हासिल किए गए सर्वोच्च अंक हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह 2 पायदान के उछाल के साथ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत की सीरीज जीत ने उसे वनडे रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंचा दिया। आपको बता दें कि टीम इंडिया टेस्ट में पहले स्थान पर है और T20 इंटरनेशनल में वह तीसरे स्थान पर है। इंदिरापुरम के अहिंसा खंड एक स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी के 10वें फ्लोर की बालकनी से गिरकर 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार शाम 5:45 पर हुआ। उस समय बच्ची घर पर अकेली बेडरूम में सो रही थी। नींद खुलने पर वह बालकनी की तरफ पहुंच गई और कुर्सी पर चढ़ गई। तभी उसका पांव फिसल गया और वह सीधे नीचे आ गिरी। चीख सुनकर सोसाइटी के गार्ड घटनास्थल की तरफ दौड़े। पड़ोसियों की मदद से बच्ची को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिंगापुर की सरकार ने सोमवार को अपने नागरिकों को एक अनोखा तोहफा देने का ऐलान किया है। सिंगापुर के वित्त मंत्री ने 2017 के बजट में करीब 10 मिलियन सिंगापुर डॉलर के सरप्लस की जानकारी दी। उनके मुताबिक सरप्लस को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर के 21 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को 300 सिंगापुर डॉलर करीब 15,000 रुपए का एसजी बोनस दिया जाएगा। वित्त मंत्री हेंगू सुई कीट ने संसद में अपने बजट भाषण में यह ऐलान किया। उन्होंने बोनस को हांगबाओ के तौर पर बताया। हांगबाओ एक ऐसे आर्थिक उपहार को कहते हैं जो सिंगापुर में विशेष मौकों पर दिया जाता है। बॉलीवुड के तेज तर्रार और बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत इन दोनों अपनी फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के काम में बिजी है। सूत्रों के मुताबिक कंगना राजनीति में अपना करियर बनाने के बारे में भी सोच रही है। खबर है कि कंगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मुलाकात कर चुकी है। कंगना की समझदारी और अभिनय से मोदी प्रभावित बताए जा रहे। खबरों की माने तो कंगना रनौत में गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से राजनीति में प्रवेश कर सकती है। कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली है और उनकी प्लानिंग है कि वह अपने क्षेत्र से बीजेपी के टिकट से चुनाव के मैदान में उतरे। सूत्र ने बताया कि कंगना इन दिनों राजनीति के कामकाज के तरीकों और माहौल को समझने की कोशिश भी कर रही है। आगे की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।